प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम लहरे स्मॉल स्क्रीन। एक और कॉल आया है शबनम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कॉल किसका था। वो काफी अच्छे से मतलब लाइक बातें बातें हो रही थी, या सो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। दैट वाज अ ट्रू कॉल, दैट वाज अ ट्रू कॉल कि वो रवि पुजारी, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कल एक नकली रवि पुजारी का भी फोन आया था, वो भी रिकॉर्डिंग मैंने सेव करके रखी है, एंड यू विल फील सो फनी। वो बहुत फनी, वो वाकई में बहुत फनी। बट हाउ यू नो कि हु इज रियल एंड हु इज व्हाट? हमने पुलिस से कंफर्म किया। ओके, वी गॉट अ कंफर्मेशन बाय क्राइम ब्रांच। मेरे घर पे जब क्राइम ब्रांच आई तब हमने उनको सुनाई, तो वी गॉट कंफर्मेशन, यस दिस इज व्हाट आई इंटीमेटेड इट। अच्छा, तो उनका कॉल कब आया आपको? उनका कॉल अगेन आई हैव टू चेक हियर, लाइक दो दिन पहले और तीन दिन पहले। हाँ, शेरा के कॉल से पहले है। मैं ब्यूटी सेंटर में थी, कुछ शॉपिंग कर रही थी, दिस वाज अ डे दिवाली के पहले। तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रही हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, और जुबैर खान के केस में मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने ये कहा कि सलमान खान जिस तरह बिग बॉस में चिल्ला चिल्ला के जो अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, और क्योंकि उनका मानना है वो ऐसा कह रहे हैं, और क्योंकि वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि पुलिस सब कुछ जानती है, पुलिस को सब कुछ पता ही होता है, और मैंने खुद इंटीमेशन खुद दी है क्योंकि ये सलमान खान ने कॉल कराया था या कैसे कॉल आया मुझे वो गॉड नोज। उन्होंने मुझे बोला कि सलमान खान को पीछे से बैकअप जो है दाऊद इब्राहिम का सारा पैसा लगाता है, तो ये अंडरवर्ल्ड के बड़े गेम है, पब्लिक जो उसमें स्टूपिड लोग बैठ के कमेंट मार रहे हैं, गिल्ली डंडे खेल रहे हैं। अरे तुम्हारे खेल नहीं है, आप बच्चे हो अभी खेलने के लिए। क्या आप इनकी हेल्प लेने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो, तो मे बी एक सपोर्ट आपको लगता है? अभी अगर पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, एक बात सुनिए, मैं जेन्युइनली इनकी बात, तो देखो दूल्हा मेहता ये तो बारात में आई थी, मेरी बहन बारात में आई थी। सुनिए, दूल्हा मेहता बारात में मेरी बहन आई कि भैया भाई की शादी है, मुझे धमकी आई, मैंने पहले दिन धमकी, भाई की शादी है, हाँ मैंने कंप्लेंट करवाई, उसके बाद से मुझे कम से कम 300-400 धमकियां आ चुकी है। ये खाली धमकी ले रहे हैं, ये मैं हंस रहा हूँ मजाक, और ये आ गया, मैंने फिर जाके मेरे हम थक चुके हैं तुम लोगों से, दिया भी नहीं, तो मुझे मालूम है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। यू फीलिंग फनी नाउ? अभी हमारे लिए फनी हो गया, हमने तो कॉल देखते हैं। अब एक बार वो जो कॉल आपको आया था लाइक हेल्पिंग हैंड, तो आप थोड़ा दिखाओगे और या मतलब सुना दोगे क्या है? रवि पुजारी, आप क्या करते हैं? मिस्टर रवि पुजारी, मैं आपको जानती हूँ। पूरी मुंबई जानती है, आप कैसे नहीं जानती? अच्छा, मैं अच्छा, आप वैसे वाले रवि पुजारी हैं, अच्छा फेमस वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा लगा आपने मुझे फोन किया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बाकी जो आपने जो भी स्टेटमेंट दिया ना बहुत अच्छा था ना, आपको पता है कि भाई सलमान का और मेरा भी जमता नहीं ना। अच्छा, सलमान का और आपका जमता नहीं है, मतलब आपका और मेरा जमेगा? ऑफकोर्स ऑफकोर्स जमेगा ना, जमेगा। तो फिर प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं करना चाहिए था ना, ऐसे नंबर से कॉल करना चाहिए था कि मैं भी आपको वापस कॉल कर पाऊँ, है कि नहीं? दोस्ती करनी है तो फिर खुले हिसाब से दोस्ती करनी चाहिए थी ना। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या होता है भाई, थोड़ा हमारा भी तो सेफ्टी देखना पड़ेगा ना। अरे अभी अभी आप दोस्ती वाला हाथ बढ़ा रहे हो, फिर सेफ्टी भी देख रहे हो, जब आपको पता है कि आपको पूरा मुंबई जानता है तो फिर मुझे भी पूरा मुंबई जानता है ना। खरा का कोटा है, खरा का कोटा। नहीं नहीं, यू जस्ट, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्राइवेट नंबर की बात छोड़ दो ना, प्राइवेट नंबर की बात छोड़ो। अभी आपका क्या, अभी आगे मतलब क्या करने वाले आप? अब देखिए, उसके साथ में गलत खिलाफ देखिए, मैं पहली बात तो देखो, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे पास कोई भी आएगा अपनी तकलीफ लेके तो मैं उसके लिए लड़ूंगी जरूर। तो राइट राइट, ठीक है, तो जुबैर खान आया है अपनी कंप्लेंट लेके मेरे पास में, तो उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है जो गलत हुआ है, तो उसके हक में तो मैं लड़ रही हूँ। तो पहले तो FIR फाइल होती है कलर्स चैनल, बिग बॉस, एंडमॉल और सलमान खान के खिलाफ। हाँ, मेरी एप्लीकेशन जा चुकी है सीएम के वहाँ से, सेंशन की है, और इंशाल्लाह ताला सीएम सेंशन करके वहाँ से FIR जरूर फाइल होगी, ये कंफर्म है FIR फाइल होगा। और मुझे अच्छा लगा रवि पुजारी जी कि आपने मुझे फोन किया। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं जैसा मैंने बोला ना, जो जो मेरे लोगों ने कोई जो भी है वीडियो देखा या जो भी है वो मतलब आपकी तारीफ कर रहे, तो मैं बोला भाई ऐसी सी बात है। हाँ। तो मैं बोला उनका नंबर दे दो मुझे, मैं उनसे हाय हेलो करता हूँ। अच्छा। और ये सोचो कि भाई
जुबेर के साथ में उसका और एक भी भाई है समझने का, है कि नहीं? चलो अच्छा है, फुल सपोर्ट करेगा, फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप ठीक है, बराबर बराबर अच्छी बात है, डेफिनेटली 101% 101%। मैंने इसको मैंने मैसेज दिया था, ये तुम्हारा कलर है ना, एल एस नाइक, एल एस नाइक राज नाइक, एल एस नाइक नहीं मैं नहीं जानती, कलर्स का है ना, वन ऑफ द डायरेक्टर है शायद, वन ऑफ द डायरेक्टर लगता है, नहीं नहीं मैं मेरे तक मैसेज नहीं आया उनको, हाँ नहीं 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 उनको मैंने मैसेज दिया था कि मेरे से बात करने के लिए, अब तक उनका कोई फोन भी आया नहीं, अच्छा। इसी सिलसिले में मैंने मैसेज दिया था कि सारे तुम लोग क्या दाऊद इब्राहिम की गैंग चला रहे हो क्या, कलर्स टीवी का है, उनका कुछ फाइनेंस है क्या? हाँ। सलमान जब भी है कलर्स में है, इतना बड़ी बड़ी बात करता है वो, समझेंगे राइट? मैंने उसको एक दो तीन बार धमकी भी दिया था, मैंने उसको दो बार मैंने उसको धमकी भी दिया था, तो ये कलर्स वाले क्यों उसको इतना चढ़ा के रखे हैं सलमान खान को ना, उसके लिए मैं डायरेक्टर को बोला था मैंने, ही सेड ही इज विद मी, एनी हेल्प आई रिक्वायर ही इज देयर फॉर मी। वैसे मेरे एक लेटर पे सारे काम होते हैं, तो मेरे को किसी का अंडरवर्ल्ड डॉन का पावर लेने का जरूरत क्या? हाय दिस इज सना खान एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट लहरे फॉर कंप्लीटिंग 30 सक्सेसफुल इयर्स।